السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. مشاهدين الكرام और काबिल कदर काबिल एहतराम हमारी माओ और बहनों, अजीज बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला से हम अपने लिए, अपनी जुर्रियत के लिए, आप सब के लिए, आप सबकी जुर्रियत अकरबा और आइज़ा के लिए ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन आप सबों को पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्नत पाक पर कायम और दायम रखे। सुन्नत पाक पर चलने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझने वाला, उसकी तरफ दावत देने वाला, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी और हिफाजत करने वाला बनाए, आमीन। और अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, दीन पर, ईमान पर, अमल सालेह पर, नबी की सुन्नतों की पैरवी पर इस्तकामत और पायदारी अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सारे लोगों को हर तरह की बिदअतों, खुराफात और गैर शरई चीजों से महफूज रखे और हमारे जरिया दूसरों को भी महफूज रखे, आमीन। आज की इस मुलाकात का उन्वान है माहे रजब की फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और इनायत से सऊदी अरबिया में आज रजब की दूसरी तारीख है। दो रजब सन 1442 हिजरी बरोज इतवार। और रजब के का महीना मुसलमान मर्दों और औरतों के बेशतर के यहां मारूफ और मशहूर है। वैसे तो हमारे अंदर अंग्रेजी महीने ज्यादा प्रसिद्ध और मशहूर हैं, जबकि अरबी महीने मशहूर होना चाहिए, लेकिन अरबी हिजरी महीनों, हिजरी साल के चंद महीने हमारे समाज के अंदर शोहरत रखते हैं। जैसे रबीउल अव्वल का महीना बहुत मशहूर है हम मुसलमानों के यहां, रजब का महीना बहुत मशहूर है, शाबान का महीना बहुत मशहूर है, और रमजान का महीना रमजान मुबारक के रोजों के फर्ज होने की वजह से ये भी मशहूर है। तो रजब का महीना हमारे अंदर
कहीं ना कहीं मशहूर है, चाहे जिस वजह से भी मशहूर हो लेकिन है मशहूर। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं आप लोगों को रजब की फजीलत बतलाऊ, माहे रजब की फजीलत और उसके तकाजे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिलसिलावार दो तीन दिन के अंदर रजब के अंदर जो बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में हमारे समाज में मशहूर हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला हक बोलने, हक अपनाने, हक सुनने, हक सुनाने और हक की पैरवी करने वाला बनाए। रजब का महीना, इसकी अजीम तरीन फजीलत अहमियत यह है, जरा गौर से सुनेंगे आप कि रजब का महीना ये उन चार महीनों में से एक महीना है जिन्हें अल्लाह ताला ने हराम महीना, हरमत वाला महीना करार दिया है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर, सूरह बकरा आयत नंबर 36 के अंदर बयान फरमाया, बड़ी मालूमाती आयत है। अल्लाह ताला कहता इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक समावाती वल अर्द। अल्लाह ताला कहता है यकीनन साल के कुल महीने 12 हैं, महीनों की तादाद अल्लाह ताला के नजदीक अल्लाह की किताब में 12 हैं और ये उसी दिन से हैं जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 36 से पहली बात ये मालूम हुई कि साल में कुल टोटल 12 महीने हैं। पहले महीने की शुरुआत मुहर्रमुल हराम से होती है और साल के आखिरी महीने का नाम ज़िलहिज्जा है। वो 12 महीने जो साल के अंदर है 13 नहीं है और न 11 है, कुल साल भर में कितने महीने हैं 12 अरबी हिजरी तारीख के एतबार से। और हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है। और 12 महीनों के नाम इस तरह से हैं जो हमें भी याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी याद रखना चाहिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमदान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्ज, ये 12 महीने हैं। और ये 12 महीने साल के उसी दिन से हैं जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया। उसी दिन से 12 महीने अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। मिनहा अरबातुन हुरुम, ये साल के 12 महीनों में 4 महीने हराम महीने हैं, 4 महीने हराम महीने हैं, जैसा कि उन 4 हराम महीनों की ताईन और नामों का जिक्र
सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला ने बतलाया साल के 12 महीने, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। फिर आगे अल्लाह ताला वसीयत करता है फला तदलिमु फीहिन अंफुसकुम, खुसूसी तौर पर इन 4 हराम महीनों में अपने ऊपर, अपने किसी मुसलमान भाई के ऊपर अत्याचार और जुल्म ना करो। साल के कुल कितने महीने? 12। किस दिन ये 12 महीने बनाए गए? जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। इन 4 महीने और इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने, एहतराम वाले महीने, और खुसूसियत के साथ इन 4 महीनों में जो हराम महीने हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने जुल्म और ज्यादती करने से मना फरमाया। फितर और फजाद और कत्ल और गारत गरी करने से खास तौर पर अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अब आइए हम पता लगाएं कि साल के 12 महीनों में से जो 4 महीने हराम महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, वो कौन कौन है। तो इसको पता लगाने के लिए सही बुखारी हदीस नंबर 4662, सही मुस्लिम 1679, जरा गौर से सुने। रावी हदीस हजरत अबू बकरा रवी अल्लाह ताला अन्हो हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना ज़माना कद इस्तदारा कहायती ही यौम खलक अल्लाहु समावात वल अर्द अस्सना इतना अशरा सहरन मिन्हा अरबातुन हुरुम थलाथा मुतवालियात दुल्कादा व दुल्हिज्जा वल मुहर्रम व रजब शहर मुदर अल्लदी बैना जुमादा व शाबान। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन घूम फिर कर उसी जगह पर आ गया जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया। और साल 12 महीने के होते हैं, साल 12 महीने के होते हैं, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। उन 4 हुर्मत वाले महीनों में 3 महीने लगातार एक बाद दीगरे हैं। वो 3 क्या है? दिलकादा या दुलकादा, दुलहिज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीने साल के 12 महीनों में, ये 3 महीने जो लगातार है, कंटिन्यू है, एक बाद दीगरे है, जिनका नाम है दुलकादा, दुलहिज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं। और चौथा महीना जो हराम महीना है वो रजब का महीना है, जो जुमादल उखरा और शाबान के बीच में होता है। गोया इस हदीस से 4 महीनों की अजमत, फजीलत और अहमियत और बरकत साबित होती है। वो 4 महीने दुलकादा, दुलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। और ये मकाम और रुतबा साल के दिगर जो 8 महीने बचते हैं उनमें से किसी को अल्लाह ताला ने हराम महीना नहीं कहा, एहतराम वाला महीना नहीं कहा। तो रजब की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ माहे रजब को हुर्मत वाला महीना करार दिया है, हराम महीना करार दिया है, और खुसूसियत के साथ माहे रजब के अंदर ज़िकादा की तरह, दिलहिज्जा की तरह, मुहर्रम की तरह जुल्म और ज़ाती, कत्ल और गारत गरी, फितना और फसाद, तूफान और बदतमीजी खुसूसियत के साथ हराम करार दिया है। यह रजब की फजीलत हुई। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई रजब का महीना चल रहा है,
इस रजब के महीने की कोई बरतरी अजमत और फजीलत बतलाइए, तो आप कहिए कि रजब की फजीलत यह है, माह रजब की अजमत यह है, इसकी बरकत यह है कि अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ माह रजब को उन चार महीनों में से करार दिया है जिनको अशूर हुरम हराम महीने एहतराम वाले महीने कहे जाते हैं। अब यहां एक बात और जान लीजिए कि इन महीनों को ज़िलक़ादा को ज़िलहिज्जा को मुहर्रम को और रजब का महीना जो इस वक्त चल रहा है इसको हराम महीना कहने का मतलब क्या है या इनका नाम हराम महीना क्यों रखा गया। कई वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि इन चारों महीनों के अंदर खुसूसियत के साथ कत्लो गारत गरी जंगो जदाल हराम है, इल्ला ये कि दुश्मन खुद इब्तिदा करे। अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वो जंग की इब्तिदा कर रहा, कताल की वो प्लानिंग करके हमला कर रहा, तब आप अपनी दिफा में अपने बचाव में कर सकते, वरना इन चार महीने खुसूसियत के साथ कताल जंगो जिदाल को हराम करार दिया गया है। इन चारों महीनों के अंदर तलवारें बेनियाम नहीं होंगी, जंगों की आवाजें नहीं आएंगी, लोग एक दूसरे से मुठभेड़ नहीं करेंगे। तो इन चारों महीनों के अंदर खुसूसियत के साथ जमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जंगो जदाल कत्लो गारत गरी जहाद वगैरह मना था। यह रजब की अजमत है, यह रजब का एहतराम, रजब का एहतराम है, अल्लाह के यहां यह माह रजब की कदर है। दूसरी वजह यह है कि दूसरे महीनों में भी हराम कामों का करना बाइसे अजाब और गुनाह है। दूसरे महीनों में साल के 12 महीनों में हराम काम करना, मुनकरात का इर्तिकाब करना, अल्लाह को नाराज कर देने वाली चीजों को करना या बकना या कहना या देखना कुछ भी, ये हराम है, नाजायज है, गुनाह का काम है, अल्लाह से दूरी का सबब है। लेकिन खुसूसियत के साथ इन चार महीनों के अंदर ज़िलक़ादा के अंदर ज़िलहिज्जा के अंदर मुहर्रम के अंदर और रजब के अंदर उनकी हुर्मत और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी दूसरे महीनों में किया गया गुनाह जितना खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इन हराम चार महीनों में किया गया गुनाह है, इसका एहतराम होना चाहिए खास तौर पर। तो ये क्या है, रजब की अहमियत और फजीलत। आपने दूसरे महीनों में कोई गुनाह का काम किया उसका गुनाह है, अल्लाह नाराज होगा, लेकिन रजब के महीने में आपने कोई गुनाह का काम किया, कोई जुल्म किया, कोई ज्यादती की, कोई खिलाफ शरा काम किया, कोई मुनकर काम किया, तो उसका गुनाह और ज्यादा है। उसकी मिसाल देते हुए हम इस तरह समझा दे सकते हैं कि अरे भाई, झूठ बोलना हर जगह हराम है, गीबत करना हर जगह हराम है, चोरी करना हर जगह हराम है, फराड करना हर जगह हराम है, हमेशा हराम है, लेकिन जाके कोई मस्जिद के अंदर झूठ बोले, मस्जिद के अंदर गीबत करे, मस्जिद का सामान चुराए, तो उसकी हरमत और ज्यादा, और उससे बढ़कर खाने काबा में कोई झूठ बोले, कोई गीबत करे, कोई चीज खाने काबा की चुरा लाए, उसकी हरमत और ज्यादा है। दूसरी मिसाल हम समझा रहे हैं, जना हमेशा हराम है और दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामान है, लेकिन कोई जाकर के अपने पड़ोसन के साथ जना करे, ये और ज्यादा गुनाह का सबब है। कोई जाकर के अपने महरमात से गुनाह करे, ये और ज्यादा हराम है। कोई जाके अपनी माँ अपनी बहन से गुनाह जना करे, ये और ज्यादा हराम है। तो मेरे ख्याल में मिसाल के जरिए आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी कि रजब की फजीलत यह है, रजब की अहमियत यह है, रजब की अजमत यह है कि रजब का महीना वो महीना है जिसके अंदर मुनकरात का इर्तिकाब करना, महरमात का इर्तिकाब करना, हराम और नाजायज आमाल करना, यह और ज्यादा हराम है, इसकी हरमत और ज्यादा है। बस
रजब की खाली यही एक फजीलत कुरान करीम की आयत मुबारक सूरह तौबा आयत नंबर 36 और सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत से यही एक अजमत और फजीलत रजब की है। बस रजब की यही एक अहमियत है, रजब की यही एक फजीलत है। और जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सीरत तैयबा को 23 साल सीरत तैयबा को देखेंगे जो कि सारे उम्मतियों के लिए कुदवा और बेहतरीन नमूना है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आपके खुलफाए राशिदीन और सहाबे किराम और आपके तरीके पर मजबूती के साथ दलाइल के साथ चलने वाले दूसरे लोग भी रजब की यही एक फजीलत जानते हैं, लेकिन माह रजब हराम महीना करार देने के बावजूद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह रजब के अंदर कोई ऐसा खुसूसी अमल नहीं किया है जो दूसरों में अल्लाह के दूसरे महीनों में अल्लाह के रसूल ने ना किया हो, बल्कि जो और दिनों में आम आपके जिंदगी के अमाल के मामूल थे वही अमल अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम माह रजब के अंदर भी करते थे। और इसके अलावा ना कोई खुसूसी नमाज, ना कोई खुसूसी रोजा, ना कोई किसी के नाम खुसूसी नजर, ना कोई खास कुर्बानी, ना कोई खुसूसी जकात वगैरह, ना कोई खुसूसी रथ जगह। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर मुश्तमिल जितनी सही अहादीस है, जिनको हदीस कहना सही है, जो ज़ईफ नहीं है, जो मनगढ़ंत नहीं है, जो बिल्कुल दुरुस्त सालिम और सही सालिम है, सारी हदीसों के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम के 23 साल मुबारक जिंदगी के दिनों रात के अंदर अल्लाह के रसूल ने वही अमल रजब के अंदर भी किया है जो दूसरे अमाल अल्लाह के रसूल अकरम दूसरे महीनों में किया करते थे। कोई रजब की फजीलत है या हराम महीना है, हरमत वाला महीना है, कत्लो गारत गरी इसके अंदर बंद है, जुल्म ज़ाती इसके अंदर और ज्यादा हराम है, इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने ये कि रजब का महीना हराम महीना है, एहतराम वाला महीना, लिहाजा इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो, इतनी नमाजें पढ़ लो, इतना नजर दे लो और इतना रोजा रख लो और इतना उमरा कर लो और ये कर लो वो कर लो, अल्लाह के रसूल अकरम से साबित नहीं है। खाली रजब की फजीलत यह है कि यह हराम महीना है। मुसलमानों को चाहिए कि रजब के महीने को हराम महीना माने और हराम महीने में जिन चीजों से खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने मना किया है फला तज़लिमू फीहिन्न अंफुसकुम, उस पर अमल करें और कोई ऐसा अमल ना ईजाद करें जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, ना करने का शौक दिलाया हो, ना करने पर उबारा हो, वरना ये और बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। जबकि रजब के महीने में अल्लाह ताला ने जुल्म करने से मना फरमाया है, और अगर कोई दीन समझकर इबादत समझकर कोई ऐसा काम रजब के महीने में किया जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है तो और बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो रजब की फजीलत यह है। एक बात और बतलाता चलूं और उसके बाद मैं दर्स खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल मैं बतलाऊंगा रजब के ताल्लुक से कुछ और बातें ताकि दर्स लंबा ना। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के जरिया या मुलाकात के मौके पर, चाहे वो अरब हो चाहे अजम हो, कहीं कहीं कभी कभार कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि लोग रजब के महीने की मुबारकबादी व्हाट्सएप के जरिए देते हैं और रजब के चांद देखने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं। तो वो उस हदीस का वैल्यू क्या है मैं बतलाना चाहता हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या कहते थे, इदा दखला रजब, जब रजब का महीना दाखिल हो तो क्या कहते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। यह मुस्नद अहमद की रिवायत जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 259। कहते हैं कि अल्लाह जब रजब दाखिल हो जाता, रजब का महीना शुरू होता, तो अल्लाह के रसूल क्या कहते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, तू हमारे रजब में, हमारे लिए माहे रजब में, माहे शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। यह मुसनद अहमद की रिवायत है, तबरानी की रिवायत है, बज्जार की रिवायत है से और बहकी की रिवायत है। बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर इन रिवायतों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये इस रिवायत के अंदर एक जायदा बिन अबी वकाद है जो कि इमाम बुखारी ने जिनको मुनकरुल हदीस कहा है, और हाफिज इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने और हाफिज इब्ने हजर रहमहुमुल्लाह ने इनको ज़ईफ करार दिया। लिहाजा ये दुआ सही हदीस से साबित नहीं है। ये रिवायत जो हस्ते अनस बिन मालिक से मरवी है मुस्नद अहमद के अंदर, ये रिवायत ज़ईफ है, गैर काबिले कबूल है, और ये दुआ नहीं अल्लाह के रसूल से नहीं साबित है। लिहाजा इस तरह की दुआएं करने से हमें बचना चाहिए। बल्कि अगर ये कहा जाए कि रजब के अंदर जो गैर शरई चीजें साबित हैं, गैर मुस्तनद चीजें की जाती हैं, उनमें से ये दुआ भी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज कल के दर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज मैं रजब से मुतालिक कुछ और बातें बतलाने की कोशिश करूंगा। वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे लाहा हमारी आने वाली जिंदगियों को अपने नबी की सुन्नत पर कुर्बान करने की तौफीक दे और अल्लाह के रसूल के तरीके को अपनाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।